नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को कल 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया और मधेपुरा की पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। लेकिन अब पप्पू यादव के वकील ने पटना हाईकोर्ट में इस मामले की शीघ्र सुनवाई को लेकर प्रार्थना की थी, अपील दायर की थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग की गई थी। एक अपहरण के 32 साल पुराने मामले में मिली जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया था और साथ ही उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। इस आदेश को उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी और उनके वकील ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना भी की, जिसे कोर्ट ने फिलहाल नामंजूर कर दिया। आपको बता दें कि कल पप्पू यादव को पहले गांधी मैदान थाने की पुलिस गिरफ्तार करके ले आई थी, उनके घर का घेराव किया गया था। पहले चर्चाएँ भी यही रही थी और कहा भी यही गया था पुलिस के द्वारा भी कि लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, नया मामला निकल कर आया कि पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है और मधेपुरा पुलिस आती है, पप्पू यादव को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। और अब खबर निकल कर आई है, पप्पू यादव के वकील ने शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना पटना हाईकोर्ट में की, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। आपको बता दें कि एक अपहरण के 32 साल पुराने मामले में जमानत मिली थी पप्पू यादव को, जिसको निचली अदालत ने रद्द कर दिया था और साथ ही उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। इस आदेश को उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और याचिका भी दायर की थी, लेकिन अब उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। जो अपील दायर की गई थी पप्पू यादव के वकील की तरफ से, उसे नामंजूर कर दिया गया है। यानी कि पप्पू यादव के मामले में जल्दी सुनवाई होने के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोर्ट के सामने उनके वकील ने जो अपील की उसे रद्द कर दिया गया है, नामंजूर कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब कोर्ट इस मामले में सुनवाई करती है, कब तारीख मिलती है पप्पू यादव को, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्मा रहा है। लगभग आप कह सकते हैं कि 90 से 95% जनता बिहार की उनके सपोर्ट में आ गई है। चाहे आप सोशल मीडिया पर देख लें या फिर उनके कार्यकर्ताओं की बातें सुन लें, लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। अलग अलग पार्टी के नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव को फिलहाल गिरफ्तार करना अनैतिक था और अमानवीय था। जिस तरह से वो आम जनता की सेवा कर रहे थे, इस कोविड काल में लोगों तक ऑक्सीजन रेमडेसिविर पहुंचा रहे थे, और इस समय में पप्पू यादव को गिरफ्तार करना मानवता के विरोध में था, कई पार्टी के नेताओं ने ऐसा कहा। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा शीघ्र सुनवाई के अपील को खारिज कर दिया गया है, उसे नामंजूर कर दिया गया है। पप्पू यादव के वकील की तरफ से ये अपील दायर की गई थी कि पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि पप्पू यादव बाहर आ सके, लेकिन शीघ्र सुनवाई अब नहीं हो पाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में सुनवाई कब तक होती है, कोर्ट कौन सी तारीख देती है और इसमें क्या नए मोड़ आते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।